पड़ जाए तू भी। क्या बात है। इस बार दिवाली में हम दरवाजा ठीक से खुला रखेंगे। क्यों? ताकि लक्ष्मी जी को आने में कोई मुश्किल ना हो। लक्ष्मी जी के पास अपना एड्रेस तो होगा ना? वो गणपत पोस्टमैन को तेरा एड्रेस मालूम है ना? बस लक्ष्मी जी उसे ले लेंगी। नहीं देगा वो, पिछली बार हम लोगों ने उसे बख्शिश नहीं दी थी ना। इडियट। ये मीनू भी इस तरह दरवाजा खुला रखने से लक्ष्मी जी आती तो क्या बात थी। दरवाजा खुला रखने से सिर्फ चोर आते हैं। दिवाली के दिन भला चोर क्यों आएंगे? वो भी तो अपने घर दिवाली मनाते होंगे। हाँ, और लक्ष्मी जी के लिए अपना दरवाजा खोल के बैठते होंगे। चोर इतने बेवकूफ नहीं होते। अरे बेवकूफ तो हम हैं कि दिवाली पर भी पालक भिंडी खरीद रहे हैं, जबकि दूसरे लोग जूते कपड़े पटाखे खरीद रहे हैं। हाँ रे। और नहीं तो क्या? सच बता, शोकेस में प्यारी प्यारी चीजें देखकर तेरा कभी मन नहीं करता? करता है, बहुत करता है। तो क्या बोल, अपने सपनों की आंखें खोल। मेरा तो एक सपना है एक ड्रेस प्यारी सी पहन लूं तो मैं लगूं किसी राजकुमारी से। मेरे सपनों का कोई राजकुमार आएगा मेरी ड्रेस शोकेस से छुड़ा लाएगा। लो सुनो, राजकुमार आएगा और वो भी 232.50 रुपए के लिए। और ड्रेस भी क्या, शोकेस से छटकी तो हैंगर पे अटकी। अरे सपने तो सपने, सपनों का क्या। हाय सपने तो सपने, सपनों का क्या। सपनों की दुनिया का वीजा नहीं अपने पास। सपनों की दुनिया का सिक्का नहीं अपने पास। सपनों की दुनिया का नक्शा नहीं अपने पास। मेरी दिवाली और तेरी दिवाली उदास। मेरा तो ख्वाब एक मोटी सी किताब जिसमें ढेर सारी कहानियाँ, राजा और रानियाँ, शर्मिला भूत डरपोक डाकू डायबिटिक कछुआ करोड़पति मछुआ स्मगलर लोमड़ी कस्टम में पकड़ी पीली कारोगी जीरा। बाप रे बाप, मेरा तो ख्वाब एक मोटी सी किताब, मोटी सी चूड़ीदार में लगम, मोटी सी कलम से बहुत कुछ लिखम। लेकिन क्या लिखम, वंदे मातरम या फिर सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम। ओह शट अप। मोटी सी कलम से एक मोटा सा उपन्यास। मोटा उपन्यास पढ़ने का वक्त है किसके पास? ठीक है तो फिर मैं लिखूंगी मोटी सी कलम से छोटी सी कहानियाँ, तेरी मेरी इसकी उसकी सबकी परेशानियाँ। पूरी या अधूरी लिखना ही तो है, तो पेंसिल क्या पूरी है। हाँ पेंसिल क्या पूरी है। सपने तो सपने, सपनों का क्या, सॉरी ख्वाबों का क्या। ख्वाब की खास खुश खसूसियत खुशबू होना खाद खू। सपनों की दुनिया का सिक्का नहीं अपने पास। मेरी दिवाली या तेरी दिवाली उदास। मेरी दिवाली या तेरी दिवाली उदास। मेरा तो एक सपना बड़ा छोटा सा यार, बड़ा छोटा सा यार, बड़ा छोटा। ठीक है आगे बोल। मेरा तो एक लौता है सपना बेचारा, छोटा इकलौता बेचारा। क्या यतीम खाने से लाने वाली है? मेरा तो सपना है एक VCR, एक VCR, हाय एक VCR। क्या
क्या VCR? वीडियो यार, वीडियो नहीं तो टीवी सही, टीवी मगर होगा कलर। कलर टीवी की है आस, ब्लैक एंड व्हाइट भी नहीं अपने पास। That is the point. कलर टीवी मेरी अधी क्लास के पास, दिवाली में होगा बाकी सब के पास। टीवी देखकर होंगे सब होशियार, रह जाऊंगी बुद्धू न होंगी समझदार। सपने तो सपने, सपनों का क्या। नहीं, बिल्कुल नहीं, हरगिज नहीं, कदापि नहीं, जरा भी नहीं, नहीं नहीं नहीं। तुम गली के आवारा लड़कों के साथ पटाखे फोड़ने नहीं जाओगे। मगर गली के सारे बच्चे तो आवारा नहीं होते। तुम्हारे लिए इतने सारे वीडियो गेम्स लाकर दिए, घर में बैठ के चुपचाप खेल नहीं सकते? सड़क पर पटाखे उड़ाओगे, लोग क्या कहेंगे? कहेंगे कि लड़का सड़क पर पटाखे उड़ा रहा था। नहीं, कहेंगे कि भारत के भूतपूर्व रियर एडमिरल VCCR शंकर रामकृष्णन का पोता सड़क पर आवारागर्दी कर रहा था। और तुम्हें आतिशबाजी देखने का इतना ही शौक है तो क्लब में दिवाली नाइट है, वहां आकर देख लो। सारे देश में सबसे शानदार आतिशबाजी होती है वहां। मुझे आतिशबाजी देखना नहीं है, मुझे पटाखे उड़ाना है। And I hate the club. And I hate the stupid functions there. सब लोग जॉली गुड शो कहेंगे, वो भी इतना संभल के कि। I see. So you are determined to be rude. खैर, मैं अगर कॉकटेल्स के लिए लेट नहीं हो रहा होता तो बताता कि मैनर्स क्या होते हैं। बहरहाल डिनर ठीक 8:30 बजे एज यूजुअल। नहीं, हरगिज नहीं, कदापि नहीं, बिल्कुल नहीं, जरा भी नहीं, नहीं 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 नहीं। नंदू, नंदू इधर आ। मीनू, मीनाक्षी देवी अपनी महान कलाकृति को थोड़ा रोककर अलका का हाथ बिठाइए। ओफो, कितनी बार कहा है कि जब मैं अपने आर्ट में बिजी हूँ मुझे डिस्टर्ब मत किया करो, मेरी इंस्पेक्शन टूट जाती है। इंस्पेक्शन नहीं, इंस्पिरेशन, प्रेरणा। नंदू जाना अब। नंदू मम्मी। नंदू की मौसी जी, तुम चुड़ा लो, बिच मुझे सता सता की खुश हो। लेकिन मम्मी तो देर से आने वाली है। बोलूंगी बोलूंगी, जब भी आएगी बोलूंगी। बस मम्मी वैसे भी देर से आएंगी, उनको और परेशान करने की कोई जरूरत नहीं, जो अपना अपना काम करो। मम्मी इतना काम क्यों करती है? वो तो आप दोनों देवियों को समझना चाहिए, उनकी मदद करना तो दूर, उल्टा आपस में लड़ लड़ के। तो तुम कौन सी मदर टेरेसा हो, तुम भी तो लड़ती हो। कभी नहीं। हाँ। ₹40-50 5 सेकंड में धुआ बस। हाँ, पैसे की बर्बादी सही, मगर क्या मजा आता है।
अनार तो फिर भी आर्टिस्टिक होते हैं, लेकिन पटाखे उफ एकदम जंगली। जैसे अनार में पैसे नहीं लगते, पेट पे उगते हैं। याद है पापा एक बार कितना बड़ा अनार लाए थे? हाँ, और ये मीनू की बच्ची खत्म होने पर इतना रोने लगी थी कि स्टूपिड व्हाट रबिश। अरे तू तो बहुत छोटी थी, तुझे याद नहीं होगा। है, याद है, हम सब रोए थी और पापा से भाई दूज के लिए एक भाई भी मांगा था। और पापा ने फिर कहा था I have three lovely beautiful daughters and that's enough। और फिर भी जब मैंने जिद की तो मम्मी ने नंदिता का नंदू बना के बिठा दिया था भाई दूज के लिए। और फिर हमको ढेर सारे प्रेजेंट्स मिले थे। और मम्मी को भी पापा ने एक साड़ी दी थी ना। क्यों, पापा मम्मी के भाई थोड़ी थे? दिवाली के लिए स्टूपिड, भाई दूज के लिए नहीं। ओ ए आइडिया, मेरा भी एक आइडिया। क्या तेरा क्या आइडिया? तू बोल ना, पहले तुझे आइडिया आया था ना, तू अपना आइडिया बता ना। नकल करते है सिर्फ। ए आइडिया मैं नहीं बोलती किसी को अपना आइडिया। और मम्मी को बोल दूंगी कि तुम दोनों बैठो चुड़ैल। बस नंदू तो बता। अरे हम मम्मी को प्रेजेंट देंगे, सरप्राइज। हाँ रे, बेचारी को उस दिन के बाद कोई प्रेजेंट ही नहीं मिला। मेरा भी एक आइडिया। महारानी जी अब बोल ही दीजिए। हम लोग पैसे कहाँ से लाएंगे? ये क्या भला आइडिया हुआ, पैसे कहाँ से लाएंगे? वही तो मम्मी के प्रेजेंट के लिए पैसे कहाँ से लाएंगे? मेरी पुरानी किताबें बेच के कुछ पैसे मिले थे, वो है मेरे पास। और मुझे स्कूल में प्राइज मिला था ना, अरे मेरे ऐसे के लिए, वो जो मैंने हाँ मालूम है ज्योग्राफी के बुक में पेज नंबर 47 में छिपा कर रखा है कि किसी का पता न चले। ठीक है कंजूसों की रानी, तो अपना बता। मेरे पास कुछ ज्यादा तो नहीं है, और मैं छोटी हूँ तो मेरा शेर भी सबसे छोटा होगा। ये तो सिर्फ 26 रुपए 50 पैसे है, बस इसमें क्या मिलेगा? मैं बताऊँ वो विटामिन वाला ड्रिंक देंगे जो दूध में मिलाकर पीते हैं। मम्मी कितनी थकी थकी आती है। विटामिन भी कोई प्रेजेंट देता है स्टूपिड? रुमाल का सेट देंगे जी। नहीं तो लिपस्टिक, मम्मी लिपस्टिक लगाती है। मैं बताऊँ वो प्लास्टिक का लंच बॉक्स देंगे, फूल की डिजाइन वाला। तुम और तुम्हारी स्टूपिड आइडियाज। ठीक है तो फिर लाओ मेरा शेर, मैं अपनी पसंद से लाऊंगी। नंदू देख कौन है, जा देख मीनू। मैं क्यों जाऊं, हमें ठीक है आने दो मम्मी को। यू विचेस मुझसे सब काम करवाते हो। अरे कोई नहीं, दत्तू है। अरे दत्तू है तो कोई नहीं, कैसे है? बस हाँ दत्तू क्या बात है? दीदी मेरी माँ है ना। हाँ ये रहे तुम्हारे पैसे। आपकी मम्मी को ना। हाँ मेरे भी दे दो। आपकी मम्मी को ना मेरे माँ ने बुलाया है, क्योंकि ना। लेकिन मम्मी घर पे नहीं है और आज देर से आने वाली है। ये मेरी वाली नोट नहीं है। क्योंकि ना सिमार को बहुत बुखार है और माँ ने डॉक्टर भाई को बोलने के लिए बोला है आपकी मम्मी को। हाँ ठीक है बोल देंगे। तुमने मेरी वाली नोट नहीं दिया था। ओफो बोल दोगे ना दीदी आपकी मम्मी को? हाँ बोल देंगे। कुर्ता दिखाऊं बेबी, नया माल आया है। जी नहीं, मुझे मेरी मम्मी के लिए कुछ। तो साड़ी दिखाऊं, इंपोर्टेड शिफॉन? नहीं ब्लाउज पीस दिखाइए। टेरिकॉट या 2x2? कॉटन। जी मैच नहीं होता। हाँ जल्दी बोलो बेबी,
एक मिनट, यहाँ हीरो मुश्किल में और आपको धंधे की पड़ी है। बेबी ये लाइब्रेरी नहीं है, कुछ खरीदना हो तो बोलो, देख रहा हूँ आधे घंटे से। अरे भाई कुछ खरीदने से पहले पता तो कर लेना चाहिए ना कि किताब पढ़ने लायक है भी या नहीं। लेकिन हाँ ठीक है, इसकी कीमत क्या है? 35 रुपए 75 पैसे। इतना अच्छा राइटर होकर इतनी महंगी किताब क्यों लिखता है पता नहीं। 7 रुपए के अंदर कुछ अच्छी किताब नहीं मिल सकती, मतलब दिवाली डिस्काउंट वगैरह लेकर। इतने में तो कॉमिक्स भी नहीं आएंगे बेबी। इसीलिए तो हमारे देश में नोबेल प्राइज वाले लेखक पैदा नहीं हो रहे। वही तो, क्लासी, बेस्ट क्वालिटी। अच्छा लेजर में दिखाऊं या क्लासी? ये देखो। प्राइस क्या होगी? 350। बस 3 रुपए 50 पैसे। 350 रुपए मैडम। ओ तो फिर जरा छोटी देखा मगर क्लासी। थैंक यू। अरे कहाँ थे तुम तीनों? मुझे तो चिंता होने लगी थी। मम्मी हम तो तुमको देर होने वाली थी ना, इसलिए जरा घूमने गए थे। हाँ दिवाली है ना कल से, खूब रौनक रही होगी। ज्यादा तो नहीं बना सके इस बार पर। ओह मम्मी इट्स ब्यूटीफुल, कितना सुंदर है। अरे इस पे तो हमारा नाम भी लिखा है, दुकानदार को कैसे मालूम हुआ? बुद्धू, मम्मी ने अपने हाथों से बनाया है ना मम्मी? इतना सब करने को कैसे टाइम मिला मम्मी? हाँ मैं तो इतनी बिजी रहती हूँ कि मुझे टाइम ही नहीं मिलता। टाइम मिलता नहीं बेटे, निकालना पड़ता है बल्कि चुराना पड़ता है, कभी लंच टाइम में से तो कभी ट्रेन में आते जाते। खैर तुम लोगों को पसंद आई तो मेहनत सफल हुई मेरी। Thank you.